आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। महंगी होने जा रही है चारधाम यात्रा। इस बार 10% तक बढ़ने जा रहा है यात्री किराया। निजी बस मालिकों ने दिया महंगाई का हवाला। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार यात्री किराए में 10% की बढ़ोतरी की जा रही है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली निजी बस मालिकों की संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने इस साल भी शासन से किराया बढ़ाने की सिफारिश की है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों का कहना है कि इस बार चारधाम यात्रा का किराया कम से कम 10% तक बढ़ना चाहिए। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने इसके संकेत दिए हैं। बस मालिकों का कहना है कि बस का जो चेसिस 18 से 19 लाख में आता था वो अब करीब 25 लाख में आ रहा है। बसों के पार्ट्स मोबिल ऑयल महंगा होने के कारण किराया बढ़ाना पड़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नए किराए के प्रस्ताव के तहत किस धाम के लिए कितना किराया बढ़ रहा है। 3x2 बसों में पिछली बार चार धाम के लिए प्रति यात्री किराया 3,850 था, जो इस बार बढ़कर 4,235 होने जा रहा है। वहीं 2x2 बसों का पिछली बार का किराया प्रति यात्री 4,250 था, जो इस बार बढ़कर 4,675 होने जा रहा है। इस संबंध में 14 फरवरी को समिति की बैठक है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।